हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे वृष राशि के जातकों के लिए कि आज का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान कैसा रहेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, आयात निर्यात करेंगे या विदेश यात्रा करेंगे, खेल के क्षेत्र में नाम अर्जित करेंगे या व्यापार में कुछ करने वाले, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे या माइंस का काम करेंगे, या विधि के क्षेत्र में कुछ करने वाले, या पत्रकारिता जगत में आपका करियर होगा, या मेडिकल के फील्ड में जाएंगे या टेक्निकल फील्ड में जाएंगे। ये सारी बातें आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपका क्षेत्र क्या होगा, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, माली हालत कैसी रहेगी, शत्रुओं से क्या लाभ नुकसान होने वाला है, महिला मित्रों से क्या लाभ होने वाला है, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपके लिए शुभ दिन क्या है, शुभ रंग क्या है, शुभ अंक क्या है, आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, और किस रंग का वस्त्र पहने और कौन सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा, सारी बात आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको रोजी रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास सार्थक होगा, माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी, दूर देश की यात्रा होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, धन धान की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी, सरकारी नौकरी के लिए यदि आपने प्रयास किया है आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। यदि व्यापार आयात निर्यात के लिए अगर आपने प्लानिंग किया हुआ है तो आज आपकी योजनाएं सफल होते हुए दिख रही है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, रुका हुआ धन मिलेगा, पुराने मित्रों के मिलने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है। यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आपका कोर्ट कचहरी न्यायालय में कोई विवाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी, पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और यदि पत्नी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रही हैं तो इनको नौकरी मिलने की भी संभावना बन रही है। यदि आज आप विदेश में करियर बढ़ाना चाहते हैं तो विदेश में करियर के लिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि खेल के क्षेत्र में आप रुचि रखते हैं तो खेल खिलाड़ियों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। आज आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, समाज में एक आपकी अहम भूमिका रहेगी। यदि आप साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, पुस्तक लिखना चाहते हैं, उसके लिए भी आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा है। परिवार में अपने भाइयों बंधुओं से या मित्रों से थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, आपका मन उद्विग्न हो सकता है, तो अपने को संतुलित और बैलेंस रखने की जरूरत है, गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है। माता पिता का सुख मिलेगा, रोग और शत्रु को हल्के में न लें, संतान सुख मिलेगा, संततियों की प्रगति से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि उतावलेपन में जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, नहीं तो कार्य आपका बिगड़ सकता है। खान पान पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, आज आपका मन शांत रहे उसके लिए आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है और माँ दुर्गा देवी की पूजा करना, सिद्धि कुंज का स्त्रोत्र का पाठ करना है ताकि आपकी ग्रह स्थिति खराब हो तो आपके लिए मजबूत हो। और आज आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है सफेद। हरे कृष्ण।